नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। नोएडा के थाना सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल अस्पताल सुनील का एक साथी भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि अन्य दो बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाश लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। देखिए, सेक्टर 113 के सुरखा क्षेत्र में एक ठेका है, वहाँ पे 3 मार्च को एक ई रिक्शा चोरी हुई थी। उसको वर्कआउट करने के लिए एसओ की टीम लगी थी। इन लोगों को कुछ आज जानकारी मिली थी कि जो इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं वो आज इधर FNG से क्रॉस करेंगे। वहाँ पे इन लोगों ने अपनी टीम को लगाया। एक संदिग्ध ई रिक्शा में 4 लोग सवार आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया और उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई जब हुई तो उसमें 4 लोग निकल के भागे, उसमें से एक घायल हो गया, उसको तत्काल वहाँ से अस्पताल शिफ्ट किया गया, दूसरा को पकड़ लिया गया और उसमें से 2 थे वो वहाँ से फरार हो गए हैं। उनके लिए हमारी कॉम्बिंग चल रही है। ये जो घायल है इससे पूछताछ किया गया, ये इसका नाम सुनील है, ये बदायूं का रहने वाला है और इसके साथ जो पकड़ा गया वो ब्रह्मपाल है, वो भी बदायूं का है। बेसिकली ये गैंग है जो यहाँ पर बरौला में किराए के मकान लेकर और यहाँ पे ऑटो रिक्शा चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। बेसिकली ये लोग 15 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं और घटना करके फिर उसके बाद यहाँ से भाग जाते हैं। ये जो सुनील है इसका आपराधिक इतिहास भी है। ये 2019 में बदायूं से जेल गया है और ये पुलिस मुठभेड़ में ही पकड़ा गया था। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी कॉम्बिंग चल रही है और इनके पोजीशन से हम लोगों ने जो ई रिक्शा 3 मार्च को चोरी हुई थी उसको हम लोगों ने बरामद किया है। बाकी असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, बाकी इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई चल रही है।